नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज समूचा देश गमगीन है, छात्र गमगीन है, नौजवान गमगीन है, किसान परेशान है, वो नेता परेशान है जिनके अपना दुख दर्द बांटने वाला नेता अब इस दुनिया में तो नहीं है, आज उसे अंतिम विदाई दी जा रही है। तो सीधे आपको ले चलते हैं सैफई धरती पुत्र सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए, आपको सैफई का वो मेला ग्राउंड जहां पर तिल रखने की जगह नहीं है। एक दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी का अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और अखिलेश यादव को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया था। सैफई में नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। कई किलोमीटर तक लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जेडीयू नेता केसी त्यागी भी लोकप्रिय नेता मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने पहुंचे। योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सहारा श्री सुब्रत राय सहारा, पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जयबीर सिंह, राकेश सचान, धर्मवीर प्रजापत, संजय निषाद, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, भाजपा सांसद वरुण गांधी, एनसीपी नेत्री सुप्रिया सूले, सपा के वरिष्ठ नेता और मुलायम सिंह के सहयोगी आजम खान, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, ओम प्रकाश सिंह, किरणमय नंदा, राम गोविंद चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, अब्दुल्ला आजम, रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, धर्मवीर प्रजापत, स्वामी ओम बेस, मंत्री असीम अरुण, अफजाल अंसारी, सपा नेत्री गीता सिंह, एमएलसी जासमीर अंसारी, एमएलए अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक राकेश राठौर, निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। मेला मैदान में रखे मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर लोग भावुक हो जाते थे। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर किसी के मुख से एक ही बात निकल रही थी कि उनका तो भगवान चला गया, अब कौन उनका हाल पूछेगा, कौन उनकी परेशानी को हरेगा, किसानों की बात कौन उठाएगा, कौन गाड़ी रोककर उनका हाल पूछेगा। 5 दशक तक राजनीति के केंद्र बिंदु में रहने वाले मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 बजे किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिग बी अमिताभ बच्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कुमार विश्वास समेत कई अन्य राजनीति के दिग्गजों के पहुंचने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि 5 दशकों तक मुलायम सिंह यादव राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे। 1.5 क्विंटल चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाएगा। कन्नौज के फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और आपको सैफई का वो नज़ारा दिखाना चाहते हैं जहां पर लोगों के सिर्फ और सिर्फ सिर ही नज़र आ रहे हैं। हर कोई, हर दल का नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है और आम जन जिस तरीके से वहां भीड़ 2 दिनों से उमड़ी हुई है, वो साबित कर रही है कि वाकई में मुलायम सिंह यादव आम जन के नेता थे, किसानों के नेता थे, सभी दलों के नेता थे। वो किसी से भी वैमनस्यता नहीं रखते थे। जो भी उनके पास पहुंचता था वो हर एक की
मदद करते थे, आज लोग उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे बड़ा दिग्गज नेता हो या आम कार्यकर्ता हो, हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है। और मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने केंद्र और प्रदेश में लंबे समय तक राजनीति की, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे, हर बार उन्होंने मिसाल कायम की। नाम उनका भले ही मुलायम सिंह था, लेकिन निर्णय लेने में वो हमेशा कठोर रहे, और यही कारण है कि मुलायम सिंह को चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए, लेकिन मुलायम सिंह को अभी भी नहीं छोड़ पाए, उन्हें अभी भी नहीं भूल पाए, और शायद उन्हें भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह वो शख्सियत थे, जो भी उनके पास जाता था उसकी वो मदद करते थे। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेताओं का भी अगर कोई व्यक्तिगत काम होता था, उसको भी मुलायम सिंह करवाने में पीछे नहीं रहते थे। सीतापुर में 20 सालों तक समाजवादी पार्टी को गढ़ बनाने वाले मुलायम सिंह यादव ही थे, जिन्होंने सीतापुर में समाजवादी पार्टी का 20 सालों तक परचम फहराया, एक से एक दिग्गज नेताओं को दिया। आज भी काफ़ी संख्या में वो नेता हैं जो सीधे टक्कर लेते हैं, आमजन की आवाज़ को उठाते हैं। आज भले ही समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर रह गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अभी भी कहीं ना कहीं मुकाबला करती हुई नज़र आ रही है। ये सारा कुछ मुलायम सिंह यादव की ही देन है। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को लोग भूल नहीं पा रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए इस कदर लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, और 24 घंटा हो चुका है करीब, फिर भी लोग उनके पास से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है मुलायम सिंह का वो नारा, जिसमें लोग उन्हें भगवान तक की संज्ञा दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब वो बेसहारा हो गए हैं, लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, हम एक बार फिर आपको वहाँ की वो भावुक तस्वीरें भी दिखाने का काम करेंगे।